बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरतलान अहमद। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक हमने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया। तो सबसे पहले वीडियो लेट आ वो वीडियो क्यों नहीं थी आती, इतने दिन नहीं आई। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो है टाइम नहीं था मिलता, स्कूल भी जाना होता, स्कूल का काम भी करना होता, वो भी ज़रूरी था। नहीं तो स्कूल में मार पड़ती है, काम ना किया। तो ईद से पहले क्यों नहीं बुला गया तो मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है ना 4 दिन ना थका बैठा हुआ था, 26 रोज में बैठ गया था, तो इसलिए ईद वाले बुला ईद ईद के दिन भी मैंने बनाया। तो दिल नहीं था कर रहा, थकावट हुई थी, तो फिर ईद के दिन ज़्यादा कर रहे हैं ना, कोई इधर बाहर वाहर निकले ना, वीडियो बनाने का चांस मिला। तो बाद में जो है ये ईद के बाद कुछ काम हुआ है, तो मैंने कहा आज जो है जुम्मे का दिन है, तो मैंने कहा आज जो है टाइम निकाल के आपको दिखाता हूँ अपने घर का काम जितना होया। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ घर का काम। तो ये देखें कुछ दिन यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग का इंट्रो किया। तो ये देखें ये वाली दीवार भी माशाल्लाह प्लस्तर हो गई है। ये भी ये साड़ी जो है ना अंदर अंधेरा, आपको ये थोड़ा पीस नज़र आ रहा। ये वाला जो है ना ये सारा अंदर तक ना प्लस्तर हो गया। ये भी मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ। माइन जो है ना छत्ती भी डाली गई है और वो मांग भी बंद हो गया, आपको मैंने बताया होगा या नहीं। और उसके बाद ये देखें ये जो है ना छत, ये भी सारे कमरों के हो गए हैं। और ये वाली दीवार रहती है, बाकी जो है ना ज़्यादा ये छत हुए हैं और ये वाली दीवार है। तो ये सीढ़ियों के नीचे भी इससे भी ना थोड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, इसलिए नहीं आपको भी नज़र नहीं आएगा, सूरज की रोशनी डाल दी है। और ये वाला हिस्सा आएगा ऊपर बस, ये भी बाकी सारा काफ़ी ज़्यादा काम। और मैं आपको छत पे जाके दिखाऊँ तो बनेरे भी हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो ये वाली ममटी की दीवार भी शुरू हुई है, ये देखें ये 4-4 फुट तक बन गई है। तो ये 4-4 फुट के बाद 2-3 दिन सूखने देते हैं, तो अब तो 2-3 दिन से तो इसको ज़्यादा ही हो गए हैं। तो इसके बाद अब इसके ऊपर 8 फुट तक जाएगी है। देखें ये ममटी इतनी बनी है, ये यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा ना, इसलिए यहाँ पे पहला वार्ड है। और ये आगे ऊपर जो है ना गर्मी काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा आपको ममटी पर दिखा रहा हूँ जितनी बनी है, आपको घर का काम दिखाऊँ। तो ये बनेरे का भी एक एक वार्ड है। तो ये हम लोगों ने जो है ममटी की दीवार ये बनेरे के ऊपर शुरू की है, ताकि यहाँ से थोड़ी कुछ जगह बच जाए। वैसे जो है ना यहाँ पे भी अगर बनाए तो कोई स्पेस नहीं, वही वो बनेरे के ऊपर आ जाएगी उधर साइड पे जो ना, वहाँ पे ना स्पेस नहीं जाए। और यहाँ से अगर बनती ना पर यहाँ से तो ये कोई फर्क नहीं था पड़ना, ये यहाँ पर बनेरा और ये ममटी की दीवार, इसलिए हमने ना उधर ही बना लिया बनेरे के ऊपर। तो थोड़ी कुछ जगह तो कोई चीज़ ऊपर ना नहीं हो तो फिर चीज़ भी पानी होती। तो मैं आपको नीचे आता हूँ दिखाता हूँ जाके, लाइट जो है मैंने ऑन करवा दी है अंदर की। तो ये जो है ना ये साड़ी हो गई, अभी जो है ना अंदर की लाइट ऑन की। पहले आपको ना मैं ना अंदर से दिखाता हूँ, फिर यही लाइट उठा कर पहले लेके जा गया। सबसे पहले देखे माई जो है ना ये छत्ती भी जो है ना डाल गई है, इसकी चटनी वगैरह खुली। और यहाँ पे ना एक ना मांग होता था वो भी बंद हो गया है। और ये है दीवार, ये सुराख बाद में बंद होंगे। ये वाली जो है ना साइड अभी प्लास्टर होनी है ना, तो यहाँ पे गो करनी होती है, तो फिर इसलिए उन्होंने ये सुराख छोड़े हैं, तो बाद में नीचे से बंद हो जाए। ये वाली दीवार है, ये ऊपर छत है, अभी यहाँ पे अंधेरा ना, ये लाइट लगी है, इसकी इतनी रोशनी को नहीं, ये सिर्फ काम करते हुए कैमरे में इतना अच्छा नज़र आता। तो अब आपको बाहर से दिखाता हूँ बाकी ये अगले कमरे का। तो ये देखें ये वाली दीवार हुई है, ये सारी दीवार वो बाहर वाली, ये सारे छत ऊपर से प्लास्टर होया हुआ है। ये अभी ये आधी हुई, एक मिनट आपको दिखाता हूँ लाइट नज़दीक आ रही है, यहाँ से अंधेरा।
ये देखें, ये वाली जो है ना यादी हुई है, तो ये वाली भी अभी नहीं है। अभी जो है ना काफ़ी काम है, जब वो होगा उसकी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं कह नहीं सकता क्योंकि कोई पता नहीं होता मेरे मूड का, स्कूल भी जाना होता है इसलिए को पता नहीं है। मैं पक्का नहीं कहा था, कोशिश ज़रूर करूँगा। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लगा, तो इसलिए मैंने कहा है ब्लॉग भी बनाना है, तो एक आध बना ही लेते हैं निकाल के टाइम। तो ये था मेरा काम आया हुआ, ये जो भी मैंने आपको दिखाया है। और अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये रेत पड़ी है, ये जो है ना मैंने सारी उठाई है नीचे जो है ना खराब ना, जो है ना काफ़ी गर्मी है। लेकिन पिछले हफ्ते से ना यहाँ पे ना पिछले टाइम 5-6 बजे के टाइम ना काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, नेरी आ जाती है, रोज़ आती है। तो कल भी आई थी कल जो है लाइट बार बार जाती रही थी, जिसकी वजह से मोबाइल नहीं था चार्ज हुआ। मैंने कहा था थोड़ी वीडियो बना के उसकी थोड़ी वीडियो बना लेंगे, बहरहाल उस टाइम मोबाइल नहीं था चार्ज, तो आज आया तो उसकी मैं वीडियो बना के इसी ब्लॉग में लगाऊंगा। अगर आ गया तो फिर बनाऊंगा। काफ़ी अच्छा मौसम हो जाए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्यारा मौसम हो जाता है। इतनी तेज़ हवा चलती है, दूर ही दूर हर तरफ हर चीज़ें उड़ने लग पड़ती हैं। तो आया तो फिर मैं आपको बताऊँगा, अगर अंधेरी आई तो आती तो रोज़ है, रोज़ पिछले 5-6 दिन से आ रही है। अगर आप भी तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी चलते हैं नीचे 5-6 बजे ठहर के देखेंगे, अगर मौसम अच्छा हुआ तो फिर ऊपर आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं नीचे, बाद में आएंगे। जो है ना उससे अगला दिन है, तो कल जो है मौसम वगैरह नहीं था, बना गर्मी ज़्यादा थी, तो कल एक काम तो वहाँ भी चले गए थे और टाइम भी नहीं था बिना वीडियो बनाने का, और मौसम नहीं था बना। और आज जो है बना है झाड़ बने, तो क्या कहते हैं हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही जैसे पहले मौसम बना था, बस बना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो भी मैंने हेलीकॉप्टर की वीडियो बनाई है ना, ये मैं अचानक छत पे आया था, तो अभी अभी आया हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ छत पे जाके, तो साथ ही गुजरा, तो मैंने कहा इसके बनाते हैं आपको दिखाते हैं। तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ ऊपर का व्यू। तो ये यार ये कुछ ऐसा व्यू देखें, बादल ही बादल हर तरफ, वहाँ पे काइट चल रही है, आपको पता ही नज़र आ रही होंगी कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं आ रही होंगी। तो यहाँ पे भी जा रही हैं काफ़ी छोटी छोटी गाड़ी नजर आ रही हैं। देख ये कुछ मौसम है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सामने पड़ा हुआ ये मैंने ना कुछ गाड़ी खड़ी की है, और ये जब सही बन जाएगा ना तो फिर मैं आपको ना बताऊँगा ये है क्या है, और ये मैंने बनाया क्या है। ये जब सही एक बड़ी बन जाएगा, आज ही मैंने अभी इसके ऊपर गाड़ी खड़ी शुरू की है, और इसको ना सही खुश्क होने के लिए छोड़ दिया, तो जब बनेगा ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगले ब्लॉक में अपने। तो ये देखें ये कुछ मौसम है, तो काफ़ी प्यारा, गर्मी तो नहीं है बड़े उस तरह की ना हवा आनी चल रही। वो देखें आपको पिंजरा नज़र आ रहा होगा, इन्होंने इतने ज़्यादा कबूतर रखे हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा कबूतर रखे हैं। एक वो भी है सामने घर में, वो भी आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, एक वो भी है पीछे घर के, काफ़ी ज़्यादा रखे हैं। ये इनके नीचे भी हैं कुछ घर, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंदर रखे हैं। ये जो वाइट वाला इन्होंने भी रखे हैं, इनका पीछे है, इस साइड पे भी कहीं ना रखे हैं, इस साइड नज़र नहीं आ रही, ये वाले जो है ना सामने ये वाले इन्होंने भी रखा हुआ था, आपको यहाँ पर लोहे की जाली नज़र आ, इनका सबसे बड़ा था पिंजरा, इन्होंने उतार दिया ना इसलिए इन्होंने अब इनका शो ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी होते थे काफ़ी ज़्यादा रखे हैं। ये जो काड़ी घड़ी है ना मैंने की है, ये मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊँगा। तो ये अभी कुछ माहौल छत का।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टाटा।